नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पूनम परमार। आज मैं आपको हरी मिर्च की चटनी सिखा रही हूँ, जिसमें ये एक कैंप चला हुआ है और ये कैंप में मैं इन स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, अभी मैं आपको चटनी के बारे में बताती हूँ। मिर्ची है और ये हमारी लोकल मिर्ची है, मतलब खेत से तोड़ के लाई हुई है। सबसे पहले इनके डंठल तोड़ देने हैं हमने। डंठल तोड़ने के बाद इसको धोया है, तो थोड़ी देर इसका हमने पानी सुखाना है। पानी सुखाने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। इन मिर्चियों को हमने सबसे पहले कट कर दिया है और इसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले मिर्च को मिक्सी में डालें। ये सारी मिर्ची जो है ग्राइंड की जा रही है, हमने ऐसे मोटा दरदरा पीसना है इसको। थोड़ा सा लहसुन और अदरक, इसको भी हमने ग्राइंड करना है। इसके बाद जो ग्राइंड की हुई मिर्ची थी उसको हमने कढ़ाई में तेल डाल के इसको काफ़ी देर तक पकाना है। ग्रीन चिली है तो इसका रंग जो है हरा है। इसको कम से कम आधा से पौना घंटा तक इसको ऐसे ही पकाना है तेल के अंदर। अब इसने थोड़ा सा रंग चेंज कर लिया कलर, इसको थोड़ी देर और पकाना है। अब चटनी में जो हमने मसाला डालना है वो ये जीरा है, दालचीनी, काली मिर्च और मीठी सौंफ। अब ये चारों मसाले जो है चटनी में डाल दें। इसके बाद सिरका डाल दें। इसके बाद काला नमक, अब थोड़ा सा सफेद नमक। बस ये चटनी तैयार है। साइडों से ये जो है तेल छोड़ रही है ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद कांच के जार में भर के 7-10 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। चटनी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।